नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन के शुरुआत खबरों से। राज्य सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर विकास भवन सभागार में डीएम की अध्यक्षता में लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूर्ण हो चुके आवासों के लाभार्थियों को आवास की चाबी, शुभकामना पत्र और बर्तन खरीद के लिए 5,000 की धनराशि का चेक दिया गया। पौड़ी विधायक ने बताया कि योजना की मदद से जरूरतमंद परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद निर्धन परिवार को इस योजना से जोड़ना है। पौड़ी से मुकेश बछेटी की रिपोर्ट। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर व्यक्ति के पास आवास होना चाहिए, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे जिले में जो है मैक्सिमम लोगों को आवास दिए जा चुके हैं और कुछ लोगों के जो है निर्माणाधीन है। हमारे प्रधानमंत्री जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण की अध्यक्षता में टिहरी जिला पंचायत की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सदन में समस्याओं का निस्तारण किया। साथ ही डॉक्टरों को समय पर अस्पताल न पहुंचने पर डॉक्टरों को समय पर पहुंचने की सख्त हिदायत दी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ को आधी अधूरी जानकारी देने के लिए जमकर फटकार लगाई और अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने को लेकर नसीहत दी। पंचायत की बैठक में कई मामले आए, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित और खाद्य विभाग से संबंधित, आंगनवाड़ी से संबंधित कई विभाग हैं। हमने समस्त अधिकारियों को यहाँ निर्देश दिए। जैसे स्वास्थ्य विभाग में जौनपुर का मामला आया कि कहीं बिल्डिंग बनी हुई है, हैंडो बनी हुई रखी है, और आंगनवाड़ी के कई मामले आए, आंगनवाड़ी वाले के अधिकारी को भी निर्देश दिया गया। जग्गी बंगर जिला पंचायत सीट पर हुए उपचुनाव में वरिष्ठ समाजसेवी कमलेश चंदोला ने पूर्व प्रधान और विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट के भाई इंदर बिष्ट को 1,415 मतों से पराजित किया। बता दें कि हल्द्वानी ब्लॉक में हुई मतगणना में कमलेश चंदोला ने 6,399 मत प्राप्त किए, जबकि इंदर सिंह बिष्ट को 4,984 मत मिले। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी मोहित गोस्वामी को 302 मतों पर संतोष करना पड़ा। वहीं 216 मत निरस्त हुए। इसके पहले राउंड में 23 मतों से आगे होने के बाद दूसरे राउंड में इंदर सिंह बिष्ट 800 मतों से पीछे हो गए और इसके बाद वे कमलेश चंदोला की बराबरी नहीं कर पाए। आखिर में वे 1,415 मतों से वे पराजित हो गए। जीत के बाद कमलेश चंदोला ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में विजय जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार जताया। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, ये जनता की जीत है और ये मेरे अपने कार्यकर्ताओं की जीत है। समय बहुत कम मिला था, सभी कार्यकर्ता पूरे मन से जुटे थे और उन्होंने घर घर जाके प्रचार करा। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि समय कम था और जो हमारा कप प्लेट चुनाव निशान था उसे घर घर पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर घर घर उस चुनाव चिन्ह पहुँचाया और जनता ने अपना समर्थन दिया। उत्तराखंड के लेखपाल संघ के बैनर तले उद्धम सिंह नगर जिले की किच्छा तहसील क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षकों ने उत्तराखंड लेखपाल संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुशहाल सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेखपाल संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुशहाल सिंह ने कहा कि किच्छा तहसील क्षेत्र में 7 अतिरिक्त क्षेत्र हैं, जिनका कार्य बहिष्कार पूर्व की तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो हमें पूर्ण बहिष्कार करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसके उपरांत एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा से मुलाकात की। पिछले हमारे 25 मई 2022 से हमारे अतिरिक्त क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। उसके संबंध में आज हमने एसडीएम साहब को एक प्रस्ताव दिया है। जो अतिरिक्त क्षेत्र है तहसील किच्छा के अंतर्गत 7 अतिरिक्त क्षेत्र हैं, उसमें कोई भी कार्य ना किया जाए, ना ही किसी पटवारी राजस्व निरीक्षक को कोई दबाव बनाया जाए। इसमें जल्दी ही हमारे प्रांतीय मंडल शासन स्तर से वार्ता की संभावना है।
खबर चमोली से है, जहां बीते 6 महीने से अपनी लंबित मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक पुलिस कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं कार्य बहिष्कार के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, जिले के राजस्व क्षेत्रों में पुलिस कार्य ठप पड़ा है। मामले को देखते हुए राजस्व पुलिस में नायब तहसीलदारों की कमी के कारण जिलाधिकारी चमोली ने आज बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जनहित में कानून व्यवस्था को देखते हुए राजस्व क्षेत्रों के सभी पुलिस कार्य अब नियमित पुलिस को दिए गए हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। राजस्व पुलिस के जो लंबित कार्य हैं और उसमें जो एक कार्य बढ़ता जा रहा था और योजनाओं में विलंब होने के कारण एक टेम्प्ररी आदेश हमारे स्तर से निर्गत किया गया है कि जब तक इसका निस्तारण शासन स्तर पर नहीं होता है, तब तक के लिए जो कोई भी अपराध राजस्व क्षेत्र में घटित होते हैं तो वह नियमित पुलिस के द्वारा उसका निर्माण किया। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जोन के मुख्य विद्युत इंजीनियर अनिल कुमार शुक्ला ने काठ गोदाम लालकुआ रेलखंड के विद्युतीकरण कार्य का इज्जत नगर मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत के साथ बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके पश्चात लालकुआ से काठ गोदाम तक रेलखंड का गति परीक्षण किया गया। इस दौरान इज्जत नगर मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत ने निरीक्षण के बाद कहा कि नव विद्युतीकृत रेलखंड का काठ गोदाम से लालकुआ तक निरीक्षण किया गया है, जिसके बाद लालकुआ से काठ गोदाम तक गति परीक्षण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि स्पीड ट्रायल के दौरान रेल पथ पर ना जाएं। जो निरीक्षण किया जा रहा है विद्युतीकरण का, ये लालकुआ से लेके काठगोदाम तक के हल्द्वानी जो बीच में एक स्टेशन और पड़ता है, और बीच में और भी हमारे जो आइटम्स होते हैं चेक करने के, जैसे लेवल क्रॉसिंग है, कर्व है, ये सब चेक कर रहे हैं, तो निरीक्षण हो चुका है। अब इसके बाद जो है यहाँ से काठगोदाम तक, लालकुआ से काठगोदाम तक स्पीड ट्रायल होगा। उसके बाद जो है वो मुख्य विद्युत प्रमुख जो मुख्य विद्युत इंजीनियर हैं पूर्वोत्तर रेलवे के, वो आए हुए हैं, उनका निरीक्षण चल रहा है। पौड़ी में गर्मी का सीजन आते ही कई गांव में पानी की किल्लत हो जाती है। वहीं बूंगा गांव में पिछले कई महीने से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने आज जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे से मुलाकात की और ज्वालपा पंपिंग योजना से पर्याप्त पानी मुहैया कराने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों और ग्रामीणों के साथ आए कांग्रेस के प्रदेश सचिव दीपक असवाल का कहना था कि गाँव में पानी की किल्लत इस कदर हावी है कि गांव में बनी पानी की डिग्गी पर ग्रामीणों को सुबह से ही पानी के लिए खड़ा होना पड़ता है। ग्रामीणों को पानी का एक एक बर्तन भरने में घंटों लग जाते हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। बिष्टभूंगा ग्राम सभा बिष्टभूंगा में काफी 6 महीनों से काफी पानी की दिक्कत चल रही है और आज पूरा गाँव, महिलाएं और जो हमारे बुजुर्ग युवा सारे आए हैं जिलाधिकारी के पास कि काफी समय से उनके गाँव में पानी नहीं आ रहा है, और जो पानी जो आ भी रहा है तो 3-3 घंटे में, 4-4 घंटे में एक बाल्टी भर नहीं पा रही पूरी। कई टाइम से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, यही हिसाब से भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गुजारिश की कि वो हमें पानी दिलाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज हम डीएम सर के पास आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। तत्काल मैंने एक्शन जल संस्थान पौड़ी उनको निर्देशित किया है कि आज एक वरिष्ठ अधिकारी ग्राम पंचायत में जाकर समस्या क्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है, और उसमें कोई अगर और कोई दिक्कत आ रही है तो उसके जांच करेंगे, जांच करके आख्या मुझे शाम तक उपलब्ध कराएंगे। पौड़ी पुलिस ने शहर के मधुबन होटल के समीप से अवैध सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत कोतवाली पुलिस टीम ने अवैध जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को अवैध सट्टा पर्ची और सट्टे की धनराशि 1790 रुपए समेत गिरफ्तार किया। साथ ही बताया गया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। श्रीनगर रोड पर एक प्रफुल्ल कुमार का नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 44 वर्ष है, वो सट्टे का कुछ कार्य कर रहा है, जिस पर हमारी पुलिस की टीम उसके घर पर गई, घर पर ही कार्यकर्ता है, घर पर गई और वहाँ से उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उसमें सट्टे का सामान, वो कुछ पर्चियाँ तो
तथा 1790 रुपये इसमें जो है बरामद किए गए हैं। इसको थाने लेकर जो है सुसंगत धाराओं में इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अग्निपथ योजना के विरोध में जहां पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चीड़बाग स्थित सैन्य धाम से राजभवन तक योजना के विरोध में वरिष्ठ नागरिकों के साथ पदयात्रा की, जहां उन्होंने राजभवन से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। योजना के विरोध में SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। हरीश रावत के अनुसार इस योजना ने बीते 3 साल से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अग्निपथ उत्तराखंड के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। यह हमारे नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का पथ है। जो नौजवान बरसों से सपना देख रहा था, जिसकी माँ गर्भ में बच्चे के आते ही सपना देखती थी कि मेरा लड़का होगा तो अपने पिता की तरीके से, अपने दादा की तरीके से फौज में भर्ती होगा, अब वो अग्निवीर होगा। और ऐसा अग्निवीर होगा जो 4 साल बाद घर वापस आ जाएगा, जिस समय उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर के जाएंगे उसकी विशेषता अग्निवीर होगी, जिसके सामने एक अनिश्चित भविष्य होगा। एक बार फिर शीशमबाड़ा स्थित कूड़े घर का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर कई वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। पछवादून संयुक्त समिति और उद्योग व्यापार मंडल समिति सेलाकुई ने कूड़ा घर के विरोध में एक दिवसीय भूख हड़ताल की। वहीं कूड़ा घर को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की गई। लोगों ने कहा कि कूड़ा घर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं कूड़ा घर से उठ रही दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस बार को लेकर क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि कूड़ा घर के लिए दूर जमीन देखी जा रही है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। कूड़ा घर में जब से ये स्थापित हुआ है तब से मानक तो पूरे इनके हो ही नहीं सकते हैं। ये ऐसी जगह में लग गया है जहां मानक पूरे हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे करके इसको चलाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन की इनको शह भी प्राप्त है, मानक कोई पूरा हो नहीं पा रहा है, बदबू से बुरा हाल है। ये पछवादून संयुक्त समिति के द्वारा जो शीशमबाड़ा में कूड़ा निस्तारण प्लांट चल रहा है उसको शिफ्ट किए जाने को लेके आज एक दिवसीय धरना यहाँ पे किया जा रहा था, और उन्हीं के द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित हमें दिया गया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित किया। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, वहीं रुद्रपुर के शिवनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर विरोध प्रदर्शन किया और ट्रांजिट कैंप की मेन सड़क के खराब होने और जल भराव के चलते सड़क पर धान लगाकर पुष्कर सिंह धामी सरकार का विरोध किया। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं ट्रांजिट कैंप शिवनगर के पार्षद मोहन कुमार ने बताया कि सरकार जहां आज अपने उत्तराखंड में दोबारा से सरकार में आने के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप के मुख्य मार्ग पर आकर सरकार की उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। मना रही है कि 100 दिन हो गए सरकार को बैठे उत्तराखंड की धामी जी को, और ये सरकार की उपलब्धि है। ट्रांजिट कैंप जो रोड है शिवनगर से ट्रांजिट कैंप रोड है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, और ये पेपर में मैंने आज सुबह देखा कि उपलब्धियाँ किनारे के हमने 100 दिन में ये काम किया। आप देखिए ये कितना अच्छा काम करा इन लोगों ने। ये स्थिति है सरकार की उपलब्धि यह है। सहसपुर में पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मामला धर्मवाला पुलिस चौकी का है, जहां इंचार्ज रजनीश कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान शिमला बाईपास रोड धर्मवाला शाहपुरा जाने वाले मार्ग पर एक महिला तस्कर के साथ एक व्यक्ति को 30 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों गिरफ्तार तस्करों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सहसपुर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर विकास नगर की है, जहां चोरों ने एडवोकेट के घर को निशाना बनाया।
चोरों ने सोने घर के ताले तोड़कर लाखों की ज्वेलरी व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल चोरों ने एडवोकेट बलजीत सिंह के घर के ताले तोड़कर लगभग 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 6 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। बलजीत ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि चोरों ने कुछ दिन पहले भी मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। कल रात को आए लगभग 10 बजे के आसपास, आके देखा तो दरवाजे के ताले टूटे हुए थे, अलमारी के लॉकर टूटा हुआ था, और फिर मेरी वाइफ ने आके देखा कि उसका मतलब गोल्ड गायब है। गोल्ड तो काफ़ी था, क्योंकि शादी जब हुई थी तो मतलब वाइफ के परिवार से भी दिया था वाइफ को, अच्छा हमने भी अपनी तरफ से दिया था, तो लगभग 5-5-6 तोले गोल्ड था। कुछ हमने वैसे भी बनाया जब काम किए, इतने साल हो गए। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में मानसून की दस्तक के साथ प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मानसून सीजन शुरू हो चुका है, साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश के अलर्ट भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर स्लाइडिंग जोन है वहां लगातार खतरा बना रहता है, उन पर JCB तैनात कर दी गई है ताकि सड़कों को समय पर खोला जा सके, क्योंकि जनपद आपदा की दृष्टि से भी संवेदनशील है। सभी विभागों और नोडल टीमों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पे कई ऐसे रूट पॉइंट्स हैं हमारे जनपद में जो यात्रा मार्ग में भी पड़ते हैं, जहाँ पर पहले लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ पर हमने मशीन्स और ऑपरेटर्स को तैनात किया हुआ है ताकि अगर लैंडस्लाइड होती है तो उसको तत्काल खोला जा सके। इसके साथ ही जो ट्रैक रूट पे करीबन ऐसे 10 से 12 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर पत्थर गिरने की घटनाएं हो सकती हैं या जिससे यात्रा मार्ग बाधित हो सकता है, तो वहाँ पर भी हमने लेबर, क्योंकि वहाँ मशीन नहीं जा सकती, तो लेबर तैनात कर दिए हैं और उनका सत्यापन और निरीक्षण लगातार चालू है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो चुकी है, वहीं चमोली जिले में देर रात से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है, यहां लैंडस्लाइड भी हुआ है। वहीं फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी है और चार धाम यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। टिहरी में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर हुए उपचुनाव की बुधवार को मतगणना संपन्न हुई, जिसमें चंबा ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों में हुए उपचुनाव में विजयी प्रत्याशियों को खंड विकास अधिकारियों ने प्रमाण पत्र निर्गत किए। चंबा ब्लॉक में BDO DN बटोला ने बताया कि ग्राम पंचायत आराकोट में प्रधान पद के उपचुनाव में धर्म सिंह रावत 150 मतों से चुनाव जीते हैं, वहीं रावत को 273 और रामेश्वर देवी को 123 वोट मिले। साथ ही गौसारी ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर भारती 40 मतों से विजयी रहीं। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। मतदान केंद्रों की गणना थी, जिसमें एक ग्राम पंचायत गौसारी में और ये आराकोट में की मतगणना हुई। आराकोट में हमारे कुल 397 मत वहां पर डाले गए, 273 मत धर्म सिंह जी को मिले और 123 रामेश्वर देवी को मिले, और धर्म सिंह जी जो है ग्राम पंचायत में प्रधान निर्वाचित हुए हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग की डोली रेंज टीम ने अवैध पातन और अवैध खनन के मामलों में आधा दर्जन से अधिक वाहन सीज किए। डोली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि बीते एक सप्ताह में अवैध खनन में लिप्त 3 ट्रक और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिन्हें कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया, जहाँ आधा दर्जन वाहनों को सीज कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसको लेकर वन विभाग मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। लाल कुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को आपदा से निपटने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए जिला अधिकारी अपने स्तर से निर्णय लें। जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर नहीं हो पा रहा है, उन्हें ही शासन तक भेजा जाए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। साथ ही कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी को पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नुकसान होता है और आपदा में कहीं भूस्खलन है, कहीं हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि है, कहीं पर सड़कों का भाव है। अगर हम देखें तो जो हमारे SDRF से भारत सरकार से जो पैसे धनराशि मिल रही है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे हो, एक तो आपदा न्यूनीकरण में भी मिटिगेशन में, और प्लस जो रिकंस्ट्रक्शन किया जाना है, कहीं टूट फूट हो रही है, मरम्मत होना है। तो विगत वर्ष से देखा गया कि धनराशि के की उपयोगिता या उपयोग नहीं हो पा रहा। विधानसभा में 4 रिक्त प्रधान पदों पर 27 जून को हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। विजयी समस्त प्रत्याशियों ने समर्थकों समेत धूमधाम से जीत का जश्न मनाया। वहीं विजयी प्रत्याशियों में ग्राम कुंवरपुर से रेशम सिंह, ग्राम सिसैया से रईस उद्दीन, सुरेंद्रनगर से राजा, बैकुंठपुर से विजय और बसगर से BDC सीट पर बलविंदर कौर विजयी रहे। सभी विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने ढोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने अपने प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाया। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। 4 प्रधान के चुनाव थे, 4 जगह, और एक दूसरे नंबर का था, जिनमें से हमारी ग्राम सभा जो हमारी सिसैया है उसमें रईसुद्दीन जी विजयी हुए हैं, और हमारी कुंवरपुर ग्राम सभा में रेशम सिंह जी विजयी हुए हैं, सुरेंद्रनगर में राजा जी विजयी हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो बैकुंठपुर ग्राम सभा है उसमें ग्रिंची वाइन जी विजयी हुए हैं। खबर चमोली जिले की है, जहां नगर पालिका परिषद गोपेश्वर ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए लगातार आम नागरिक से अपील की है। नगर पालिका के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार सभी व्यापारी बंधुओं से भी आग्रह किया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के बाद 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लगातार व्यापार सहित आमजन से भी अपील की जा रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारा जो है सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, यहाँ गोपेश्वर नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से बंद है, किंतु सरकार के जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, भारत सरकार के हमारे निदेशालय से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 1 तारीख से जो है संपूर्ण पॉलिथीन जो है बंद हो गई है। इसके लिए जो है हमने जो है अखबार के माध्यम से भी 24 मार्च 2022 को विज्ञप्ति भी निकाली है, और लगातार हमारी गाड़ियों के द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उद्धम सिंह नगर में मुख्यमंत्री की घोषणा पर प्रदेश में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के प्राग फार्म में 65 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, और चिन्हित जमीन का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। बताने की पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज रुद्रपुर में बनना प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ एक साथ 100 एकड़ जमीन नहीं मिल सकी थी। वहीं अब प्रस्तावित योजना में कॉलेज के साथ ही परिसर में 100 से अधिक बालिकाओं के रहने के लिए हॉस्टल भी बनेगा। वहीं बालिकाओं के ट्रायल के बाद कक्षा 6 से कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। उद्धम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। मंत्री जी की घोषणा में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए उपयुक्त स्थल का चयन की आवश्यकता थी, उसी घोषणा के क्रम में ये उपयुक्त जमीन चयनित की गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर रचपुरा गांव में प्रयाग फार्म की जमीन है, तो वहाँ 65 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। इसमें स्पोर्ट्स कॉलेज जैसा नाम से स्पष्ट है वो बनेगा, उसके साथ ही हॉस्टल्स और अन्य कोई गतिविधियों के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार जो है भूमि चिन्हित की गई है, और पर्याप्त भूमि है उपयुक्त स्थान पर, तो उसका चयन करके अग्रिम कार्रवाई तो ऊपर भेजा गया है।
उत्तराखंड चमोली के खन्नी और भदौरा में ग्राम प्रधान के उपचुनाव मतगणना पूर्ण हो चुकी है। इसमें भदौरा से सुनीता देवी और खन्नी से बीना देवी ग्राम प्रधान बनी। वहीं उपचुनाव में खन्नी में बीना देवी को 164 और लता देवी को 124 वोट मिले। वहीं भदौरा में पूनम देवी को 51 और सुनीता देवी को 81 मत मिले। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। नागपुर पोखरी में भदौरा और खन्नी में निर्वाचन हुआ, जिसमें भदौरा में जो है दो उम्मीदवार थे, पूनम देवी, इनको 51 वोट पड़े हैं और सुनीता देवी को 81 वोट पड़े हैं। कुल 136 वोट पड़े हैं, उनमें से चार जो है रद्द किए गए, तो सुनीता देवी यहां विजयी हुई हैं 30 वोटों से। रुद्रप्रयाग के जिला कार्यालय सभा कक्ष में जनपद की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि केदारनाथ धाम सहित मद महेश्वर तुंगनाथ की भी यात्रा जारी है, जिसको लेकर यात्रा व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। वहीं अब मानसून सीजन शुरू हो रहा है, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से अभी तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही मीडिया कर्मियों ने सिरोबगड़ से लेकर नरकोटा खाकरा तक हाईवे की खराब हालत से जिला अधिकारी को अवगत करवाया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेकी की रिपोर्ट। ये 2 साल यात्रा प्रभावित रही थी कोविड के बाद, और इस साल 2022 में अभी करीबन 55 दिन हुए यात्रा को प्रारंभ हुए और 8.25 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम में दर्शन कर लिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, और इसमें सभी हमारे विभागों ने, साथ ही हमारे जो व्यापार मंडल हैं या जो होटल एसोसिएशन है, थोड़ा कच्चर संचालक हैं, सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग किया है। चमोली के थराली बाजार में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने शेड्यूल एक्स नारकोटिक्स और साइकोलॉजिकल दवाओं का भी औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान सभी मेडिकल स्टोर्स के स्टॉक बुक, लाइसेंस, दवाइयों से संबंधित रजिस्टर और एक्सपायरी डेट की दवाओं को भी चेक किया गया। साथ ही टीम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को हिदायत देते हुए कहा कि बिना डॉक्टर के परामर्श से किसी को भी दवाई ना दी जाए। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे, जिसमें सभी मेडिकल दुकानों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें हमारे साथ चिकित्सा टीम थी, पुलिस की टीम थी और प्रशासन की टीम थी। इसके द्वारा नगर थराली क्षेत्र में सभी मेडिकल दुकानों की जांच की गई। इसमें शेड्यूल एक्स और शेड्यूल एस की दवाइयों के संबंध में जाँच की गई, तो कोई भी ऐसी प्रतिबंधित या नारकोटिक दवा का विक्रय होना नहीं पाया गया। और इस संबंध में कुछ दुकानों में स्टॉक रजिस्टर मेंटेन ही था, जिसमें दुकानदारों को स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने, एक्सपायरी दवाइयों को अलग रखने, उनको सही से डिस्पोज करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।